नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, जिन पर चुनौती है बावल नगर पालिका चुनाव को लेकर के, क्यों आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है वहां से सही राम चौकन को, जो एक चाय की दुकान चलाते हैं और कहीं ना कहीं तमाम कैंडिडेटों के लिए गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि कुलदीप जी पर भी पूरी दारोमदार है पार्टी को चुनाव जिता करके ले जाना। कुलदीप जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने एक कैंडिडेट जो उतारा है और पार्टियों के जो कैंडिडेट है उसकी एवज में आप कहां खड़े हैं आज? नमस्कार मोहनलाल जी, आपके माध्यम से मैं बावल की जनता को नमस्कार करता हूँ। और बात रही खड़ा रहने की, हमें हर चुनौती स्वीकार होती है जनता की सेवा के लिए। आज हमने सहीराम जी को जो उतारा है तो सहीराम को सिर्फ और सिर्फ आम जन में से इसीलिए उठाया है कि आम जन की जो समस्याएं होती हैं वो सहीराम समझ सकता है, क्योंकि सहीराम बहुत ज़्यादा धनाढ्य नहीं है, अपना गुजर बसर करता है और हर उन समस्याओं से सहीराम निकला हुआ है जो समस्याएं बावल की जनता झेल रही है। तो चुनौती वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम अपनी मेहनत से हमारे हर कार्यकर्ता भरकस प्रयास कर रहे हैं और सहीराम को सफल बनाएंगे। सवाल ही उठता है ना, ऐसे में जहां बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव लड़ रहे हैं, एक से एक दिग्गज लड़ रहे हैं, ऐसे में सही राम को कहां खड़ा पाएंगे आप, ये बताइए ना। देखो, चुनाव पैसे वाले लड़ रहे हैं, वो आम जनता ने सोचना है कि आम जनता के लिए वो पैसे वाले ग्राउंड पे आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन सहीराम जो है वो आज भी ग्राउंड पे है और कल भी ग्राउंड पे रहेगा, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि सहीराम का जो काम है वो डेली की डेली जनता से मिलने का है। जैसे सुबह सुबह 4 बजे उठ करके वो दूध घर घर दूध देता है तो आम जनता के पास वो पहुंचता है और आगे भी उसकी दिनचर्या यही रहेगी। दूसरा, जो धनाढ्य लोग हैं उनके कहीं ना कहीं असिस्टेंट काम करते हैं, लेकिन सहीराम के यहाँ पे कोई असिस्टेंट नहीं रहेगा। सहीराम का कहना ये आम आदमी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा या वो उनके घरों में नहीं घुस पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धनाढ्य जो लोग होंगे उनके पास में समय लेना पड़ेगा मिलने के लिए, और इसके बाद में भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि वो आदमी मिल जाएंगे और उनका काम कोई कर पाएंगे। लेकिन सिंबल पे दो ही आदमी लड़ रहे हैं बावल में, तो आप लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी का उम्मीदवार तो देखो जी, जहां तक हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था, 70 साल के बाद में जब सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता तो चेयरमैन, जहां जिसको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, वहां पे 73 साल के आदमी को उन्होंने टिकट दिया है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वो आज वोट मांगने तक किसी के पास नहीं जा रहे तो कल वो सेवा कैसे करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज से। इस चीज के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है कि युवा नहीं थे या मध्यम वर्ग के उम्र के आदमी बीजेपी के पास नहीं थे जो उस बुजुर्ग आदमी को परेशान करने के लिए आज टिकट दिया है, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ही वोट मांगने जा रहे हैं, वो आदमी कहीं पे जो भी इनका प्रत्याशी है वो कहीं वोट मांगने नहीं जा रहे। लेकिन 70 के बाद एक आदमी की आराम करने की उम्र होती है, भजन करने की उम्र होती है, ऐसे में चुनाव लड़ाना क्या लगता है, सत्ता की लालसा कहीं ना कहीं है या आम आदमी को दरकिनार कर दिया, बीजेपी के पास कोई ऐसा युवा चेहरा ही नहीं था जिसको लड़ाया जा सके, जिसको चुनाव जीत सके वो? नहीं, बिल्कुल इसमें तो दरकिनार ही दिखाई दे रहा है, और ये तो उन कार्यकर्ताओं को जो काफी समय से लग रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए और बावल की जनता को खुद सोचना चाहिए कि आदमी की जो उम्र है वो काम करने की कब तक होती है। 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर्ड कर देती है, तो वो 73 साल के आदमी कहाँ जा पाएंगे। और नगर पालिका का तो हर वार्ड में जाना, हर वार्ड की समस्याओं को सुलझाना, तो मेरे को तो नहीं लगता कि भाई इस प्रकार से कहीं ना कहीं चूक हो गई बीजेपी से। बिल्कुल चूक क्या, ये तो महाचूक है जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का वो दिखाया जा रहा है कि भाई हम सत्ता में बैठे हैं तो हम जो करेंगे वैसा ही होगा। तो देखिए, ये कुलदीप जी है जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं चूक कर दी है, कहा जा सकता है कि मन मर्जी कर दिया, उम्मीदवार थोप दिया गया है, चाहे जो भी हो उम्र दराज आदमी को टिकट दी गई है, वो कहीं ना कहीं बावल की जनता भी देख रही है क्या उनके काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास और बावल के लिए क्या विजन है, क्या तैयारियां हैं आपके पास, अगर आपका कैंडिडेट चुनाव जीत करके जाएगा क्या कुछ लोगों के लिए आप करने का कोई रोड मैप आपके पास है? देखो जी, रोड मैप उनका बनता है जो खाली घोषणाएं करते हैं, हमारे पास खाली घोषणाएं नहीं है मोहनलाल जी, हमारे पास में काम करने की गारंटी होती है, जो हम कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। और जिस दिन 22 तारीख को रिजल्ट आना है और जनता ने हमारा समर्थन किया, जनता का सहयोग रहा, तो हम आपको आने वाले चंद दिनों में जो समस्याएं हैं, विशेषकर महिला सुरक्षा की
वहाँ पे हम जो सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और आम जन जो रेडी पटरी लगाते हैं उनको कभी इधर फेंक दिया जाता है, कभी उधर फेंक दिया जाता है, कभी बस स्टैंड के ऊपर लगा दिया जाता है जहाँ बस स्टैंड पे कोई लोग ही नहीं आते खरीदारी करने के लिए, तो उनके लिए एक स्थायी स्थान देंगे जहाँ से जनता का आवागमन होगा और किसी तरह की ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक जो वहाँ पे चलता है वो अव्यवस्थित नहीं होगा और आम जन वहां से खरीदारी करेगा ताकि उनका गुजर बसर हो सके। दूसरा अपना जो गरीब तबका है, जो गरीब तबका आज मान लो कोई भी आयोजन करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है या कोई बच्चों की शादियां होती है, उसके लिए उनको महंगे महंगे टेंट करने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं एक शादी हो या कोई भी आयोजन हो गरीब आदमी को बहुत सोचना पड़ता है, तो हम उनके लिए टेंट की फ्री सुविधा देंगे जो हर वार्ड के अंदर होगी। हर गरीब उसमें अपना जो भी 10-20-50 हज़ार का जो खर्चा होता है वो नगर पालिका की तरफ से उनकी सेवा होगी जिसमें उनका ये खर्चा बचेगा और वो अपने आयोजन को अच्छे तरीके से कर सकता है। तीसरा युवा के लिए जिम सुविधाएं हर वार्ड में, हर पार्क में हम जिम सुविधा देंगे और उनका ट्रेनर, योगा ट्रेनर भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए कई सारे वादे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ है, क्योंकि चुनौतियां भी हैं। आम आदमी पार्टी की सीट निकाल करके झोली में डालना, ये कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष पर बड़ा दारोमदार है, उस चुनौती से कैसे निपटेंगे उसके लिए ये अपना रोड मैप भी बाकायदा बता रहे हैं कि बावल के विकास के लिए वो बहुत कुछ वहां पर करेंगे। इसके अलावा एक और जानकारी हम चाहते हैं, जो लोग घर घर मैं जिस तरीके से आपने दिल्ली में किया कि घर घर जाके अधिकारी उनके छोटे मोटे काम पूरे करते जाए, प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो जी, लोग नगर पालिका में धक्के खाते हैं, उनके लिए क्या सुविधा को रोड मैप आपके पास है कोई? बिल्कुल मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से बावल की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस प्रत्याशी को देखें और उसके बाद में चाहे आपकी परिवार आईडी हो, चाहे आपका वोटर आईडी हो या कोई भी किसी भी तरह का प्रॉपर्टी आईडी से लेकर के, आज कहीं पे भी नगर पालिकाओं में जाते हैं जाने के बाद उनको टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम पे भी वहाँ पे कर्मचारी नहीं मिलते, तो उसके लिए हम एक सुंदर तरीके से हर आदमी के घर घर पे जा करके जो सरकारी कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत रहेंगे वो उनके घर पे जा जा करके जो वर्किंग डे है उन वर्किंग डे में उनके घरों पे जाएंगे और उनका कार्य घर पे पूर्ण करेंगे। एक और चुनौती है आप लोगों के सामने, अतिक्रमण और अवैध निर्माण, वो कैसे दुरुस्त करेंगे? आप देखेंगे आप जगह जगह जाकर के अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, चबूतरे बाहर बना लेते हैं, क्या एक व्यवस्थित हो मोहल्लों में सड़कें खुली खुली हो, उसके लिए कोई रोड मैप तैयार है बजाय? इसके लिए तो जनता को जागरूक करना होता है और जनता को बताना पड़ेगा। आज मान लो आपकी गली 6 फीट की है और वहां पे कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको खुद समझदार होना चाहिए, अब भाई ये रास्ता ना रोका जाए, क्योंकि रास्ता कहीं ना कहीं हम रोकते हैं और उसको सबसे पहले हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने आराम के लिए उसको बना तो देते हैं, लेकिन कल को जब हमारे यहाँ पे कोई मटेरियल आता है, कोई गाड़ी आती है तो सबसे पहले समस्या हमें होती है, तो उस चीज़ के लिए बावल की जनता से निवेदन करेंगे और जैसे जैसे हम कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में जनता की राय जरूर लेंगे। जनता की राय लेंगे क्योंकि अतिक्रमण और अवैध निर्माण बड़ी समस्या है, लेकिन कुलदीप जी ने बता दिया है कि ये वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं कि गारंटी से आपके काम किए जाएंगे, जो इस वक्त चुनावी वादे हो रहे हैं बकायदा उनकी गारंटी दे रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव है, लगातार हम इनसे मिलते भी रहेंगे, 19 जून को मतदान होना है और एचआर न्यूज आपको लगातार दिखाता रहेगा कि आखिर जो जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं वो क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल उठता है, यहाँ टिकट पे दो ही आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और आप जी, आगे कौन किसको टक्कर में मान रहा है, आप ये में से किसमें क्या लगता है? देखो टक्कर तो मोहनलाल जी किसी से भी नहीं होती, रोती है तो सबसे होती है, चाहे वहां पे कोई भी मतलब लड़ाई जैसी भी हो, ये चाहे राजनीति की लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है या वैसे भी कोई लड़ाई होती है, तो किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता मजबूती से हर घर पहुंच रहा है, हर चूल्हे तक पहुंच रहा है और हर जन को समझा भी रहा है कि आप अपने लेवल का बंदा चुनिए जो आपकी भावनाओं को समझ सके। हमारा जो सहीराम चौकन प्रत्याशी जो है वो बिल्कुल निम्न परिवार से है और वो सुबह 4 बजे उठ करके रात को 11 बजे तक कार्यरत रहता है, जैसा कि हम पीछे बातें भी कर रहे थे, आज तक उस लड़के ने 20-22 साल हो गए काम करते हुए,
ज्यादा से ज्यादा बहुत ही मुश्किल आई होगी, तो 20 से 25 दिन की छुट्टी पूरे इस कार्यकाल के जीवन में उसने छुट्टी करी होगी। तो देखिए, हमने आपको दिखाया भी था कि सही राम चौकन किस तरीके से चाय की दुकान चलाते हैं, क्योंकि अभी चुनाव शुरू हो गए, हर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज भी आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चार न्यूज पर अलग अलग तरीके की कवरेज, नारनौल की भी हम आपको दिखा रहे हैं, बावल की भी दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेवाड़ी की जो स्थिति है, चुनाव से पहले जो वादे हुए और बाद के अंदर जिस तरीके से पार्षद आज कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, हमारी सुनी नहीं जाती है, वो एक बड़ी चुनौती है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बाद में कहते हैं हमारी चलती नहीं है, तो जनता के साथ धोखा हो जाता है, वो कैसे? रेवाड़ी में आपने देखा होगा हालात। देखो मोहनलाल जी, मैं रेवाड़ी देखा भी है और देख भी रहा हूँ। रेवाड़ी की काफी नगर पालिकाएं हैं जो आए दिन अखबारों में छपी रहती हैं। और सबसे पहली चीज तो क्या है, उन लोगों के यहाँ पे कहीं मुख्यमंत्री, कहीं कोई प्रेजेंट मंत्री, वो चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं। हमारे यहाँ पे आम आदमी जो हर दिन आपके बीच में रहेगा, वही खुद वोट मांगने जा रहा है। और हम जैसे आज हैं, वैसे ही कल हर घर घर जाएंगे, हर आदमी की समस्या तक हम पहुंचेंगे और उन समस्याओं का निदान करेंगे। और यही वजह है आम आदमी पार्टी आज दो स्टेट में है, दिल्ली में है और पंजाब में भी घुस गई है। तो जाहिर है, निकाय चुनाव में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो बड़ा होगा। अगर बावल की सीट निकलती है तो जाहिर है बावल का विकास भी होगा। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।